आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चर्चा चारों तरफ छाई हुई है। जहां देखिए आप लोग चलती रहती है चर्चा यही कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे जो भी संविधान है, हमारा भारत का संविधान, उसके भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपने देखा होगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसमें आप जानते हैं कि जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, इसमें आपके समानता के अधिकार की व्याख्या की गई है एक तरह से। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आप 19 से 22 तक, जो आर्टिकल 19 है उससे लेकर 22 तक के अनुच्छेदों में, इनमें आपकी स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर आप देखते हैं कि तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है 23-24 में, आर्टिकल 23-24। फिर आप देखते हैं चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। पांचवा है आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये 29 और 23 में। और एक है आपका संविधानिक उपचारों का अधिकार 32। इसे आप जानते होंगे कि आर्टिकल 32 को हमारे जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, इन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। क्यों कहा था? आप लोग समझिए कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपके अधिकारों की रक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आप में से कई लोग कह रहे हैं आज कि वो हम अगर कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं, हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो क्या रहता है कि हमें एक तरह से जेल में डाल दिया जाता है या फिर हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको 1975 का समय भी बता रहा हूं। आप जानते हैं कि आपातकाल लगाया गया था हमारे देश में, इंदिरा गांधी के समय की बात कर रहा हूं। तो उस समय भी आपने देखा है कि व्यक्ति की जो भी स्वतंत्रता थी, जो भी अधिकार थे, उनका किस तरह से हनन किया गया। तो ये सरकारें हमारी हमेशा समय समय पर हमारे अधिकारों का हनन करती रहती हैं। और एक बात और आपको बताऊं, ये आप लोग ध्यान दीजिए कि जो बात हकीकत है वो आपको आंसर में कभी नहीं लिखना है। आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हो या कहीं आप लोग तर्क दे रहे हो, जहां आपकी जिंदगी का फैसला हो या आपको किसी परीक्षा का इंटरव्यू दे रहे हैं आप लोग, तब कभी मत बोलिए। आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी एजेंसी हो, सरकार के पक्ष में झुकती हुई आपको दिखाई देगी। ये आप लोग कांग्रेस के समय को भी देख लीजिए आप लोग, चाहे अभी देख लीजिए आप लोग। ये कोई आप ये नहीं समझिए कि मतलब उस पर कोई आरोप लगाया जा रहा है, ये आपको दिखाई देगा। अर्णब गोस्वामी का मामला आप लोग देख लीजिए, कई मामले पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में लेकिन किसी पर सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन आपने देखा है कि अर्णब गोस्वामी के मामले में कितने फटाक से एक तरह से निर्णय दिया गया। अभी आपके मामले को ले लीजिए, अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है, आप जेल जेल चले जाते हैं, तो आप समझिए कि सालों गुजर जाएंगे आपको केस लड़ते लड़ते। बड़े दो चार केस आप लोगों को फेमस याद होंगे कि एक व्यक्ति को सजा होती है, मतलब सजा नहीं, वो किसी आरोप में जेल में जाता है, वो 15 से 20 साल काट चुका होता है जेल में, उसके बाद उससे कह दिया जाता है कि आप पर कोई दोष नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। इसी तरह का एक मामला और याद रखिए आप लोग, आपको याद होगा कि एक महिला के बलात्कार होने के बाद उसे मरे हुए 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं, तब उसका फैसला आता है। अब यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप ताकत पर हैं तो आप समझिए कि आपके साथ हर कोई खड़ा हुआ है। समय समय पर आप सुनते रहते हैं कि केंद्र में जिसकी भी सरकार रहती है वो क्या करता है कि दुरुपयोग करता है एजेंसियों का। राज्यपाल को आप लोग देख लीजिए, सरकार गिराने में उठाने में आप समझिए कि जिसकी केंद्र में सरकार रहती है वो इसका उपयोग दुरुपयोग करता है। राजस्थान के मामले में आप लोगों ने देखा होगा, कर्नाटक के मामले में आप लोगों ने देखा है, गोवा के मामले में आपने देखा है, मध्य प्रदेश के मामले में आप लोगों ने देखा है। तो मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, हकीकत कुछ और रहती है, हम लोग आंसर राइटिंग में ये हकीकत नहीं लिख सकते। समझ रहे हैं आप लोग? और ये बीजेपी के समय की बात नहीं है, कांग्रेस के समय भी इसका दुरुपयोग किया गया है। आज एक आर्टिकल में देख रहा था, कहीं पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि आप समझिए कि इंदिरा के गांधी के समय में सुप्रीम कोर्ट जितना शक्तिशाली हुआ करता था, आज हमारे सुप्रीम कोर्ट उतना शक्तिशाली नहीं दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कई फैसले तो ऐसे दे रहा है कि उसमें उसके फैसलों में वो खुद उलझ जाता है।
प्रशांत भूषण का मामला आप लोगों ने देखा होगा, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट अपनी ही बनाए ही एक तरह से जाल में फंसता चला गया। किसान आंदोलन पर आप लोग देखिए किस तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट एक तरह से अपने ही बिछाए जाल में फंसता जा रहा है। और आप जानिए कि इतना सुप्रीम कोर्ट मतलब एक निष्पक्ष मतलब एक तरह से संस्था है हमारी, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा लेते हैं। आज समझ सकते हैं आप लोग कि हो सकता है आपको प्रधानमंत्री पर हमारे पर अपने भरोसा ना हो, प्रधानमंत्री को आपने वोट ना दिया हो, लेकिन फिर भी आप भारत में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि क्योंकि आपको अपने संविधान पर भरोसा है, आपको अपने संविधान पर छोड़िए अपने न्यायालय पर भरोसा है। और आप समझिए कि उस न्यायालय की अगर गरिमा गिरती है, उसका सम्मान गिरता है, तो आपकी नजरों में से आपको भरोसा भी उस पर कम होने लगता है। जब एक बात और याद रखिए आप लोग कि जब केंद्र में सरकार मजबूत हो, पूरा बहुमत मिला हो, उसे अच्छी तरह से सरकार एक तरह से सत्ता में आई हो, तब सभी एजेंसियां कमजोर हो जाती हैं और जो आपकी केंद्र सरकार होती है वो मजबूत हो जाती है। उसे डर नहीं रहता है कि हमारी सरकार गिर जाएगी, कोई उसका सहयोगी दल है तो साथ छोड़ रहा है तो वो गिर जाएगी। अभी आपने देखा है कि अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ा है किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन बीजेपी ने मनाया नहीं है उसे, क्योंकि बीजेपी के पास आज बहुमत है। वहीं सोचिए अगर गठबंधन की सरकार होती और बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत ना होता तो किसान वाला जो मामला फंसा हुआ है बहुत पहले समाधान हो जाता। आप समझ रहे हैं? आपने देखा है लॉकडाउन का समय भी देखा है किस तरह से जनता त्राही त्रासदी को झेल रही थी, उस समय भी आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से निर्णय दिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक तरह से फैसला सुनाया। इसी को प्रशांत भूषण वाली केस में आपने देखा है कि यही मामला था। खैर छोड़िए, इसका मामला नहीं है, लेकिन आप लोगों को हकीकत यही है कि जो भी एजेंसी कांग्रेस की समय रहा हो, शासन रहा हो या आज का शासन हो, सबने दुरुपयोग किया है इनका, ठीक है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि किसान आंदोलन को आतंकी भी कह दिया जाता है, खालिस्तानी और पता नहीं देशद्रोही किस तरह इसके बयान आते रहते हैं। मैं आप लोगों को एक टाइम और बताता हूं, आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे, स्वाभाविक सी बात है, तो आपने देखा होगा अंग्रेजों के समय जो एक तरह से आप कहिए आंदोलन कर रहे थे उन्हें भी देशद्रोही कहा जाता था, उन्हें ही आतंकवादी कहा जाता है। आप जानते हैं ना कि फिर चाहे आपके भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, इन्हें क्या कहते थे? देशद्रोही कहते थे, इन्हें आतंकी कहते थे उस समय। तो याद रखिए हमारा आज हम लोग जो भी कर रहे हैं, अगर मैं मानता हूं कि अगर समझिए किसान अगर आतंकवादी हैं या देशद्रोही हैं तो उनसे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन उनसे हर बार की बात क्यों की जा रही है? आप इतना समझौता क्यों कर रहे हैं उनसे? खैर छोड़िए, इसमें हमारा कोई आप लोग मतलब इससे कोई मतलब भी नहीं है आप लोगों का, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाला इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास हमारी बात करता है कि हम देशद्रोही थे या राष्ट्रभक्त थे या देशभक्त थे, क्योंकि अंग्रेजों के समय आपने देखा है कि किस तरह से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु थे और आज हम लोग उनकी पूजा करते हैं। देखिए हमारी जिंदगी हो सकती है कि 60 साल की हो, 100 साल की, मान सकता हूं कि आपकी 200 साल की हो सकती है, लेकिन उस 200 साल की जिंदगी का क्या मतलब है ये मायने रखता है, आपके कर्म कैसे रहे ये मायने रखता है। एक तरफ आपने देखा होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को और दूसरी तरफ आपने देखा होगा सिंधिया को। आज आप लोग इतिहास की कोई स्पेशल बुक्स उठा के देखिए, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि सिंधिया गद्दार था, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्त थी, लेकिन उस समय की परिस्थिति, उस समय की जो वर्तमान परिस्थिति रही थी, उस समय सिंधिया को देशभक्त कहा जा रहा था और रानी को क्या कहा जाता? आतंकी, देशद्रोही। तो ये आने वाला समय लिखेगा, जो भी बताएगा। आप हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन आतंकवादी है, कौन देशभक्त है और कौन ये देशभक्ति का प्रमाण पत्र देता है, ये भी पता नहीं है। खैर छोड़िए, इस आर्टिकल को देखते हैं। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हमेशा चर्चा में बनी रहती है और इससे प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस बनते रहे हैं और मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस बनते रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा बोला आप लोगों से कि आप लोगों को बड़ा बैलेंस बना के लिखना है। जिस तरह से आप देखते हैं कि कभी आर्टिकल निकलता है कि सोनिया गांधी के द्वारा लिखा जाता है,
या उनकी पार्टी के किसी नेता के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन उसमें भी आप लोगों को कुछ अच्छे पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। बीजेपी के नेता भी जब भी लिखते हैं आर्टिकल तो उसमें भी आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग कॉपी करते हो या पेस्ट कर देते हो। तो आप लोग समझ रहे हैं कि मैं कुछ भी बोलूं, हकीकत कुछ भी हो, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है, अपनी सोच रखनी है, और आपको बड़ा बैलेंस बनाकर आरक्षण पर कभी आप देखिए कि कितनी तुरक कुतुरक क्या क्या चलता रहता है। एक तरह से आप सभी कोई तर्क नहीं है, तर्क के कुतर्क चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को आंसर अगर लिखना है तो सबसे पहले आरक्षण क्या है, उसके बाद आप देखिए कि इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, और आपकी खुद की राय क्या है। इस तरह से बैलेंस बनाना है आप लोगों को। अब ऐसा नहीं कर देना है आप लोगों को कि आपने आंसर लिखा और आपने पॉजिटिव पॉइंट लिख दिए, नेगेटिव पॉइंट छोड़ दिए, तो आप लोगों ने या फिर नेगेटिव पॉइंट लिख दिए, पॉजिटिव पॉइंट छोड़ दिए, यहां आप लोग मार खा जाएंगे। दूसरी बात, आपसे कई लोगों से मैंने देखा है कि जो नरेंद्र मोदी के जो एक तरह से प्रधानमंत्री साहब के हमारे जो मतलब विरोधी हैं, उनसे कहिए कि प्रधानमंत्री ने कोई अच्छा काम किया है तो वो सीधा मना कर देते हैं, कोई अच्छा काम नहीं किया है। और प्रधानमंत्री साहब के एक तरह से जो पक्ष में बोलते हैं, जो इनके सपोर्टर हैं, उनसे भी कभी अभी आप लोग पूछे कि प्रधानमंत्री की एक गलती बताइए, वो सीधा सा कह देते हैं कि प्रधानमंत्री में कोई कमी ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना, आप तो आपको अंधभक्त बनना है ना ही गुलाम बनना है, आपको अच्छे से सोचना है। ठीक है, लोकतंत्र का आधार स्वतंत्रता है और भारत में स्वतंत्रता की स्थापना का सर्वाधिक दायित्व न्यायपालिका पर है। एक तरह से आप कहिए कि स्वतंत्रता का जो भी मतलब है, या आपकी स्वतंत्रता पर कोई रोक लगाता है, तो इसका एक तरह से रक्षक कह लीजिए आप लोग न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली में देखते हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट, उसी की बात कर रहा हूं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र की रक्षा हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया और भारतीय जनता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का सर्वाधिक भार न्यायपालिका पर डाला गया है। आपने इंदिरा गांधी के समय पर देखा है, इंदिरा गांधी गांधी के कई फैसलों को आप देखेंगे कि न्यायपालिका ने रोक लगा दी थी। समझ रहे हैं आप लोग, विगत वर्ष हुए बहुचर्चित अर्णब गोस्वामी मामले में न्यायपालिका ने 2 दिन में जमानत देकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। ये गलत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यही रवैया न्यायपालिका को हमारी हर मुद्दे पर अपनाना चाहिए, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। आप समझ रहे हैं, इसी निर्णय के एक भाग ह्यूमन लिबर्टी एंड द रोल ऑफ कोर्ट ने न्यायालय ने मानवीय स्वतंत्रता को संविधान के आधारभूत मूल्यों में एक माना है, अतः स्पष्ट है कि न्यायपालिका मानवीय स्वतंत्रता को अत्यंत महत्वपूर्ण मान रही है। आप हम भी देखते हैं, एक आपने देखा होगा कि अगर आपके यहाँ किसी पर FIR हो जाती है और वो अगर शक्तिशाली है, वो आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है, नेताओं से पकड़ है, तो उसकी जमानत बहुत जल्दी हो जाती है। और एक गरीब आदमी आप देखते होंगे कि अगर उसकी एक तरह से पहुंच नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो उसकी क्या स्थिति रहती है दुनिया जानती है इस बात को। स्वतंत्रता के सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांतिक रूप से स्वतंत्रता के 2 रूप स्पष्ट होते हैं, एक है मानवीय अस्तित्व की एक गुण के रूप में स्वतंत्रता। इस सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्रता मानवीय अस्तित्व का एक गुण है जिसमें मानव प्रकृति के नियमों का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें अपने उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बना सकता है, और इसका अभिप्राय जहां अन्य तत्व वस्तुएं अथवा जीव जंतु प्रकृति के निर्विकार नियमों से निर्मित होते हैं, वही मानव उन्हें अपने उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बना लेता है। मानव की संपूर्ण सभ्यता तथा उसकी संस्कृति मानव की स्वतंत्र गुण का परिणति है, और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानव की प्रकृति के नियमों के बंधन से स्वतंत्र व्यवहार करता है। दूसरा है आपकी मनुष्य की दशा के रूप में स्वतंत्रता। इस सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्रता मानव की एक दशा है जिसमें आप देखेंगे मनुष्य स्वयं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में समर्थ होता है, और उस पर आप देखेंगे इस प्रकार के बंधन आरोपित नहीं होते जो उसे अपने अनुसार जीवन व्यतीत करने से रोके। स्वतंत्रता की दशा का विचार तभी हमारे सामने आता है जब हम मनुष्य में स्वतंत्रता के गुण क्षमता को स्वीकार करके चलते हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता का स्वतंत्रता मनुष्य की एक दशा के रूप में मानी जाती है। यहाँ ये भी आप लोग देखिए, यहाँ यह ध्यान देने योग्य भी बात है कि फ्रीडम का उपयोग यानी कि स्वतंत्रता का उपयोग मात्र स्वतंत्रता के पहले अर्थ यानी कि मानवीय अस्तित्व के गुण के रूप में स्वतंत्रता के लिए किया जाता है।
जबकि लिबर्टी का उपयोग मनुष्य की दशा में के रूप में स्वतंत्रता और मानवीय अस्तित्व के गुण के रूप में भी स्वतंत्रता दोनों के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता तथा न्याय में संबंध आखिर क्या है। तो स्वतंत्रता मानवीय विकास का एक साधन है और न्याय की स्थापना के लिए ही न्यायपालिका की स्थापना की गई है। न्यायपालिका का मतलब क्या है? न्यायपालिका का एक तरह से काम क्या है? आपको न्याय दिलाना, या तो एक तरह से न्याय, कोई न्यायपालिका ने निर्णय दे दिया, अगर वो उसे कोई नहीं मान रहा है तो जबरदस्ती मनवाना भी एक तरह से न्यायपालिका का काम है। अतः स्वतंत्रता स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में न्याय तथा स्वतंत्रता के संबंध को समझना आवश्यक भी है। और स्वतंत्रता का अत्यंतिक लक्ष्य न्यायपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना होता है। इस दृष्टिकोण से स्वतंत्रता को न्याय का महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है, परंतु कभी कभी अन्यायपूर्ण स्थिति से बचाव के लिए स्वतंत्रता को सीमित करना आवश्यक हो जाता है। जो व्यवस्था मनुष्य को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करे उसे हम न्यायपूर्ण व्यवस्था कहते हैं, किंतु इन स्वतंत्रताओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य भी हो जाता है कि वह कोई भी ऐसा कृत्य ना करे जिससे अन्य लोगों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण हो। आप जानते हैं कि जो आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वो मौलिक अधिकार आपके सीमित होते हैं। मान लीजिए आपको कोई बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, आप कैसा करें, ऐसा करें कि आप गेट पर खड़े होकर बाहर किसी को गाली देने लग जाए, या फिर आपको कोई संगठन बनाने की आजादी मिली हुई है, आप ऐसा संगठन बनाए जो देश की एकता, अखंडता, लोगों की शांति भंग करे, तब आपके अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, आपकी स्वतंत्रता पर अधिक एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सीधा सा मतलब है कि आपके अधिकार वहां तक हैं, आपकी स्वतंत्रता वहां तक है जहां तक ना, जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण आप लोग ना करें, ठीक है। न्याय के सिद्धांत के अनुसार सरकार अथवा राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, परंतु आपातकाल के दौरान इन स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। और आपने सीमित क्या किया जा सकता है, इंदिरा के गांधी के समय में आप लोग देखिए इंदिरा गांधी साहब ने कितने अच्छे अच्छे काम किए। पाकिस्तान ने उनसे पंगा लिया, उसके दो टुकड़े कर दिए, एक बांग्लादेश बन गया था, अपना नया देश बना था। लेकिन आपने देखा है कि इंदिरा गांधी की राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो उन्होंने काम किया उसकी वजह से उनकी छवि कितनी धूमिल हुई है। हमारे इतिहास का काला अध्याय एक तरह से कह देते हैं, काला समय कह देते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। यह सिद्धांत समतावादी स्वतंत्रता को स्वीकार करता है, जिसके अनुसार तात्विक न्याय की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता को सीमित करना आवश्यक माना जाता है। वह अरस्तु जैसे जैसे स्वेच्छावादी विचारकों के अनुसार न्याय मात्र एक प्रक्रिया है, तथा यदि समता पाने के लिए स्वतंत्रता को सीमित किया गया तो आपसी कलह में वृद्धि होगी। परंतु भारतीय न्याय व्यवस्था समतावादी स्वतंत्रता को मानती है और जिसके अनुसार न्याय न सिर्फ व्यक्ति तथा व्यक्ति के मध्य समन्वय करता है बल्कि सिद्धांतों के मध्य हुए विवाद में भी सामंजस्य स्थापित करता है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता को स्थापित करने में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका क्या है। तो उपनिवेशिक पराधीनता से मुक्ति के उपरांत कई बार भारतीय न्यायपालिका ने राज्य की सत्ता के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए हैं, और इसके लिए कई बार न्यायपालिका ने संसदीय विधियों और अपने द्वारा दिए गए निर्णयों को परिवर्तित भी किया है। आप समझिए, अगर राज्य भी आपके अधिकारों की छेड़छानी करता है अधिकारों से, तब भी आप सोचिए राज्यों को भी रोक सकती है कौन, आपकी न्यायपालिका। इतनी शक्तिशाली न्यायपालिका है। मैं हमने हमेशा बोला है आप लोगों से कि न्यायपालिका जो शब्द है इस पर आप लोग कभी उंगली नहीं उठा सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका में जो लोग जा रहे हैं बाहर से उन पर आप लोग उंगली उठा सकते हैं। मुझे भारत देश में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो न्यायपालिका के ऊपर सीधे सवाल करे। लेकिन याद रखिए, न्यायपालिका में जो अगर भ्रष्ट व्यक्ति बैठा हो उसके खिलाफ लोग बोलते हैं, लेकिन इसका आप समझिए वो वहां बैठा हुआ है तो क्या करता है कि वो अवमानना का केस चला देता है। आप समझ रहे हैं, यानी कि खुद की दुश्मनी को आप लोग देखते हैं कि उसकी खुद की दुश्मनी है, लेकिन वो न्यायपालिका का सहारा लेकर एक तरह से उस दुश्मनी का किस तरह से भजाता है। प्रशांत भूषण के मामले में आप लोगों ने देखा है खुल के कि उन्होंने टिप्पणी किस पर की थी, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं की थी, समझ रहे हैं आप लोग। उन्होंने टिप्पणी की थी उस समय के जो भी मुख्य न्यायाधीश थे उन पर,
लेकिन आपने देखा है उनकी जो उन पर एक तरह से एक कार्रवाई की गई, जो भी अवमानना का केस चलाया गया, लेकिन वो भी उन्होंने भी वो भी अड़े रहे अपनी बात पर। और बाद में आप देखिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने माना और 1 रुपये रखा, फिर उन्होंने वो भुगतान किया एक तरह से, और एक तरह से आजाद हो गए। प्रसिद्ध मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में न्यायपालिका ने विधि की सम्यक प्रक्रिया को मत देते हुए गोपालनवाद के अपने निर्णय को परिवर्तित कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। इस मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार को विस्तारित करते हुए गरिमामय जीवन के अधिकार का सिद्धांत आया है। एक तरह से आप समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाई हुई है, वो बेंच थी आपकी 3 व्यक्तियों की, 3 सदस्यीय बेंच थी या 5 सदस्यीय बेंच थी, तो उससे बाद में अगर कोई निर्णय होता है उसमें 7 सदस्यीय बेंच बनाई जाती है, तो उसके बाद आप देखिए कि 7 सदस्यीय बेंच बेंच जो निर्णय देगी उसे ही मानना जाएगा आगे, ठीक है। और जो आप देखेंगे पहले निर्णय दिया गया होगा वो रद्द हो जाता है एक तरह से। सबसे बड़ी बेंच के सदस्यों की एक तरह से जो भी निर्णय रहता है उसे ही भविष्य में मानते रहते हैं, ठीक। न्यायपालिका ने समय समय पर अनुच्छेद 21 को विस्तारित कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नए आयाम दिए। इसमें आप देखते होंगे कि न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या, सूचना के अधिकार, विदेश यात्रा के अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, आप जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 21 का, में कारावास में अकेले बंद होने के विरुद्ध अधिकार जैसे कई अधिकारों के रूप में की गई है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं। और आप समझते होंगे कि नए नए एक तरह से आपके अधिकार जोड़ते रहते हैं, परिभाषित होते रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रारंभिक परीक्षा में कि आप अपनी मनमर्जी से शादी कर सकते हैं, इस ये आपको स्वतंत्रता किस आर्टिकल में मिली हुई है, तो आपने देखा होगा आर्टिकल 21 दिया गया था ऑप्शन उसमें। तो आप समझिए इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों में से कई लोगों के क्वेश्चंस आए हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट हमारी निष्पक्ष है, सीबीआई हो फिर कोई भी एजेंसी हो, ये निष्पक्ष है, तो फिर मतलब आप समझिए सरकार के दबाव में काम क्यों करती है। इसलिए जो शुरू में हम लोगों ने बात की है, इसलिए ही बात की है कि एक कोई नई बात नहीं है। एक कांग्रेस के समय भी दुरुपयोग देखा गया है, राज्यपालों का दुरुपयोग कांग्रेस के समय भी देखा गया है सरकारें गिराने बनाने में, तो ये कोई नई बात नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 19 एक के अंतर्गत शांत रहने का अधिकार, प्रदर्शन का अधिकार और विचार को प्रसारित करने का अधिकार सहित कई अधिकारों की व्याख्या कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया है। न्यायपालिका द्वारा समय समय पर धार्मिक स्वतंत्रता में अनुच्छेद 25 की व्याख्या कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी बढ़ाया गया है। प्रसिद्ध नालसाबाद तथा हाल ही में हुए नव तेज सिंह जोहरवाद में न्यायपालिका ने लैंगिक अभिव्यक्ति को मान्यता देकर तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 377 को निर अपराधिक घोषित कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता दी है। और इसी के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 497 अर्थात अडल्टी को गैर आपराधिक घोषित करते हुए न्यायपालिका ने व्यक्ति के शरीर के ऊपर व्यक्ति के पूर्ण अधिकार को सुनिश्चित किया है। इस निर्णय ने भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाया है। इसके साथ आप देखेंगे साथ ही समय समय पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में वर्णित अधिकारों का प्रयोग कर न्यायपालिका ने मानवाधिकारों की रक्षा भी की है। ये आर्टिकल 32 वही है जिसमें आपके अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की मदद ले सकते हैं, जो भी आपके अधिकार होगा आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत आप लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, ठीक है। अर्णब गोस्वामी के मामले में भी स्पष्ट हो गया है कि न्यायपालिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत महत्व दे रही है। ये बात अच्छी भी है, देना भी चाहिए, लेकिन मैं इतना ही अपना पर्सनल व्यू है, मेरा मानना है कि देखिए हर किसी के साथ एक तरह से वही रहना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी किसी भी तरह का हो, ठीक है। क्या भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्णता स्थापित है? निसंदेह भारत की न्यायपालिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना के लिए विधिवत है, परंतु कुछ कारणों से मानवीय स्वतंत्रता पूर्णता स्थापित नहीं हो सकी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2015 में भारतीय जेलों में क्षमता से 14 गुना अधिक कैदी बंद थे, जिनकी संख्या इस समय लगभग आप देखेंगे क्षमता के 18 से 20 गुने के आसपास पहुंच गई है। कहीं ना कहीं यह समस्या न्यायपालिका की न्याय में देरी की समस्या के कारण उत्पन्न हुई है। आप समझिए कि इतने सारे केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, एक तरह से आप कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास
कम एक तरह से इसका निपटारा करने के लिए व्यवस्था है। आप समझ सकते हैं कि जेलों की क्या हालत है। कोरोना के समय में आप देखिए कि मुझे लगता है कि अच्छे से अगर टेस्टिंग हमारे देश में होती तो अब क्या हाल होता आप लोग समझ सकते हैं। जब आप सोचिए कि जैसे हमारा शरीर है इसमें कितनी बीमारियां हैं, इसके बारे में तो तभी हमें मालूम चलेगा जब हम टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट ही नहीं करवाएंगे तो हमारे शरीर में क्या मालूम चलेगा। तो यही हाल रहा है। कारागार की खराब स्थिति के कारण 2015 में कारागार कुल 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। आप समझ सकते हैं हाल के समय में बढ़ रही नॉन जुडिशियल किलिंग ने भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम किया है। फिर आप देखेंगे मॉब लिंचिंग पर प्रभावी कानून ना होने से भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ है। ऐसे भी आप लोगों ने देखा है कि कई केस अभी हाल ही में हुए हैं, ठीक है, कि भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है। तो आप समझिए जब भीड़ किसी व्यक्ति को मारती है तो किस पर आप केस बनाएंगे। ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि उन्हें सजा मिल पाए। समझ रहे हैं आप लोग, छूट जाते हैं आराम से। 2017 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या 2,60,00,000 से अधिक है। अब यहां देखिए आप लोगों से फिर बोल रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। देश का कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाए। आप समझिए कि आपका केस पेंडिंग में है, वहां कोई भी एक तरह से कर्मचारी है या आप समझिए कोई वकील है, कोई जज है, समझ रहे हैं आप लोग, वो क्या करेगा कि आपकी फाइल को नीचे दबा देगा और जो पैसा देगा या बाहुबली एक तरह से पैसा या उसकी पहुंच होगी, वो शक्तिशाली होगा तो वो अपनी फाइल को ऊपर ले आएगा, उसके केस का निपटारा बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका केस पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा, नीचे के नीचे चला जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई एक तरह से आर्थिक स्थिति खराब है, कोई गरीब है तो उसकी जमानत को आप जानते हैं कि इतना टाइम लग जाता है उसका, आप समझ रहे हैं, जो भी प्रकरण है उसका फैसला होने में सालों लग जाते हैं। आप समझ सकते हैं यही एक तरह की समस्या है। आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की। कारागार में बंद लगभग 60% से अधिक कैदियों के मामले विचाराधीन है। इनमें से कई कैदी सजा पाने के पूर्व भी अपने अपराध के लिए निर्धारित सजा से अधिक दंड पा चुके हैं। मान लीजिए एक्स व्यक्ति है, ठीक है, उसका पेंडिंग में केस डला हुआ है। मान लीजिए उसने कोई एक तरह से आप समझिए कि कोई उसने जुर्म जो भी कर लीजिए आप लोग अपराध किया है, उसकी सजा थी 5 साल की, ठीक है, लेकिन उसके केस का निपटारा नहीं हुआ, उसने 10 साल सजा काट चुका है। ऐसे भी कई लोग आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। 60% से ज्यादा लोग इसमें एक तरह से विचाराधीन कैदी हैं जिनके ऊपर फैसला ही नहीं हुआ है कि उन्होंने अपराध किया है या नहीं किया है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। आप समझ सकते हैं कितनी बड़म्बना है। न्यायपालिका में अधिवक्ताओं का जाल, न्यायपालिका की दुर्भाषा और खर्चीली प्रणाली ने न्यायिक व्यवस्था को दुरुपयोग कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। आप समझ रहे हैं इस लाइन का मतलब यही है। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका ने भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। यद्यपि कुछ समस्याओं के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हुई है, परंतु यह स्पष्ट है कि समाज में न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे राजनीतिक सिद्धांतों की स्थापना तथा अधिकारों की रक्षा के लिए सक्षम तथा प्रभावी न्यायपालिका की आवश्यकता है। अतः न्यायपालिका में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। आप समझिए यूएसए की, अमेरिका की न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है, आप लोग देखते भी रहते होंगे। वहां के राष्ट्रपति साहब के कई निर्णयों को रोक लगा देती है वहां न्यायपालिका, आप समझ रहे हैं। हमारी न्यायपालिका ने भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है। इंदिरा गांधी के समय की आप लोग देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कई मामलों पर रोक लगाई है, उनके कई निर्णयों को एक तरह से खारिज कर दिया है, रोक लगा दी है उस पर। वो तो क्या कहते हैं कि एक तरह से आप कहिए कि हमारा पीएमओ है जो पद, यानी कि प्रधानमंत्री का पद कमजोर नहीं है, उस पर बैठने वाली व्यक्ति ही बताता है कि वो कमजोर है या वो शक्तिशाली है। एक तरह से आप कहिए कि कुर्सी में कोई एक तरह से कमजोर नहीं है, कुर्सी हमेशा शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्तिशाली शक्ति बनाए रखने के लिए उस पर जो व्यक्ति बैठ रहा है वो योग्य है, वो कमजोर तो नहीं है। आप समझ रहे हैं, उसी को एक तरह से मायने रखता है।
वरना आप समझिए कि एक तरह से हथियार कितना भी मजबूत दे दिया जाए आप लोगों को, और चलाने वाला ही कमजोर होगा, कहाँ से चला पाएगा। तो यही बात रहती है। मैं फिर से आप लोगों से एक बात दोहरा रहा हूं कि आप लोग आर्टिकल कहीं से भी पढ़ें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा लिखा गया, कोई भी किसी भी तरह की बात कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को आंसर राइटिंग बड़े बैलेंस होकर लिखना है। आपको बड़ा एक सोच सकारात्मक रखनी है, समझ रहे हैं आप लोग। आजकल आप देखते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर, रिजर्वेशन के मुद्दे पर किस तरह की तर्क दिए जाते हैं। कई लोग आपको देखने को मिल जाएंगे समाज में कि एक तरह से पूरी तरह से खारिज कर देते हैं आरक्षण को, और कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आप लोगों को कि आरक्षण को सही, बिल्कुल सही ठहरा देते हैं और उसमें कोई कमी नहीं है, इस तरह के शब्द बोलते हुए मिल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग वो प्राणी हैं जिन्हें चारों वेद का ज्ञान हो जाता है जब आप लोग पेपर 4 पढ़ते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अब इतिहास पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई वेद बचता भी नहीं है। खैर छोड़िए आप लोग, आप लोग ध्यान रखते रहिए अपना, पढ़ते रहिए, यही बात थी। और कुछ लोगों ने सवाल किए इसलिए मैंने 5 से 7 मिनट में वो बात बताने की कोशिश की है कि इस तरह के दुरुपयोग समय समय पर होते रहे, ये आज की बात नहीं है, ना कांग्रेस के समय की बात कर रहा हूं, आप लोग अंग्रेजों के समय से लेके आज तक देखिए, हर समय सत्ता का दुरुपयोग होता रहता है। ठीक है।